मैं दरबाजुद्दीन, मैं अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे लिए इतनी डेवलपमेंट के काम कर रही है कि हम सोच भी नहीं सकते। एक टोल प्लाजा उखाड़ के फेंक रहे हैं और दूसरा हमारे मुंह पे मार रहे हैं। एक टोल प्लाजा जिसे आप फाइनेंस लेके एक गरीब इंसान से आखिर करना क्या चाहते हैं? आम लोगों को, रजौरी पुंछ के लोगों को आपने तंग करने का ठेका जो ले रखा है। 2013 की बात है, एनसी और कांग्रेस जब कोलिजन गवर्नमेंट थी तब सरूर के टोल प्लाजा का सारा काम हो चुका था, लेकिन उस वक्त अपोजिट गवर्नमेंट ने, सो कॉल्ड बीजेपी ने, उस वक्त सारे स्ट्रक्चर को तोड़ के फेंक दिया और टोल प्लाजा नहीं लगने दिया। अब जब सब वो हुकूमत आती है तो टोल प्लाजा वहां पे लग जाता है। हमें किसी भी हुकूमत से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे एनसी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कुछ भी हो। आफ्टर 37 के रिमूवल के बाद, 370 के रिमूवल के बाद हमने कुछ सोचा था, आपका वेलकम किया था, इसलिए कि आप हमारे गले काट दो, इसलिए कि आप हमारे पेट पे लात मारो। एक रजौरी पुंछ का गरीब इंसान जो किसी का टेम्पो लेके चलाता है वो यहाँ से जम्मू जाएगा, वो आपको पे करेगा। एक इंसान जो टांडा से जम्मू सरोवर से आगे जाएगा वो दो जगह पे आप टोल प्लाजा की पेमेंट करेगा। हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, क्यों इन गरीब लोगों के पेट पे लात मार रही है? आखिर कब तक हम आम लोगों को परेशान किया जाएगा? और विकास के नाम पे इस ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपको लोगों के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करने चाहिए थे, वह आप लोगों से रेवेन्यू लेने की बात कर रहे हैं। मेरी इल्तिजा रहेगी अपनी यूडी गवर्नमेंट के साथ कि प्लीज पीर बंजाल खिता के लोगों को तंग ना किया जाइए। आम लोग, गरीब लोग, बड़ी